हेलो एवरीवन नाइम पार्थ आज की वीडियो में हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे एनसीईआरटी का वो चैप्टर जो कि थोड़ा सा हार्ड जाता है बट इसको बहुत इजी बनाने वाले हैं हम अगले पंद्रह से बीस मिनट में इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे बड़े सुंदर तरीके से विद माई बायोहेक नोट्स तो दिल थाम के बैठ जाइए और सीट बेल्ट अपनी बांध लीजिए क्योंकि अब हम करने वाले हैं सैर हमारे नर्वस सिस्टम की चलिए पहला सवाल न्यूरल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इन किस ऑर्गेनिजम्स के अंदर हाइड्रा के अंदर टू डिवीजन ऑफ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इन पी एन एस आर क्या होते हैं टू डिजन ऑफ पी एन एस आर क्या क्या है सोमेटिक और ऑटोनोमिक फंक्शन ऑफ सोमेटिक एंड ऑटोनिक नर्वस सिस्टम आर सोमेटिक का काम क्या होता है भैया बताओ जी सोमेटिक का का काम होता है रिले इम्पल्सिस फ्रॉम सी एन एस टू स्केलेटल मसल को कौन करेगा सोमैटिक करेगा और ऑटोनॉमिक का, का काम क्या होगा रिले इम्पल्सिस फ्रॉम सी एन एस टू इन वोल्ट्री मसल तो वॉल्ट्री का, का काम करेगा सोमैटिक और इनवॉल्ट्री को इम्पल्स रिले करेगा ऑटोनॉमिक ई एन एस इज डिवाइडेड इन टू किन दो पार्ट में सिंपथैटिक एंड पैरासिम्पथैटिक विसल नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ किसका पार्ट है एन एस का पार्ट है इट कम्राइजेस ऑफ चार चीजें तो पहला होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व फाइबर मल्टीपोलर न्यूरोन कहाँ पे मिलती है मल्टीपोलर न्यूरो मिलती है हमें सेरिब्रल कॉटेक्स में बाइपोलर न्यूरोन कहा मिलती है जी बाइपोलर हमें मिलती है हमारे रेटिना में यूनिपोलर कहा मिलती है

साइनेप्टिक क्लैब में भी एबसेंट इन सम केसेस ऐसा होता है क्या बिल्कुल टू टाइप्स ऑफ साइनसर इलेक्ट्रिकल होते हैं और केमिकल होते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स फास्ट या स्लोअर देन अपना केमिकल साइन तो इलेक्ट्रिकल फास्ट होते हैं डैश साइनेप्स आर रेयर एन सिस्टम कौन से इलेक्ट्रिकल वाले रेयर होते हैं द न्यू पोटेंशियल डेवलप बायिंग द न्यूरो ट्रांसमीटर कैन बी इनबिट्री ऐसा है क्या बिल्कुल ट्रू नेम द थ्री क्रेनियल मैनेजेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड तो आउटसाइड से इनसाइड बोल रहा है क्या होगा ड्यूरा मैटर एरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर इसको हम पिया मैटर भी बोलते थे बचपन में ऐसी मजाक मजाक में मोरे पिया वाला गाना गाते थे एरेक्नोइड इज अ एरेक्नोइड थिक लेयर होती है क्या आंसर इज फॉल्स थ्री पार्ट्स ऑफ ब्रेन आर फोर ब्रेन मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ

कि अंदर ग्रे है या बाहर ग्रे मैटर है ठीक है तो नारियल पानी देखा तुमने तो नारियल देखा है मतलब जिसमें नारियल पानी वाला नारियल उसमें अंदर जो है उसकी गिरी होती है जिसको मलाई कहते हैं वैसे और वो कैसी कलर की होती है वाइट कलर की होती है मतलब अंदर वाइट मैटर होता है ब्रेन में और बाहर ग्रे मैटर होता है द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज थ्रो इन टू प्रोमिनट फोल्ड ऐसा होता है क्या बिल्कुल तो जैसे कॉर्टेक्स सबसे ऊपर की लेयर होती है ना ऊपर वाली लेयर होती है तो वो कैसी है ग्रे है और अंदर ब्रेन वाइट कलर का है और यह चीज उल्टी हो जाती है स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड कॉर्ड में में बाहर की तरफ वाइट रहता है अंदर की तरफ ग्रे रहता है द थ्री एरिया फाउंड इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स आर कौन कौन से तीन एरिया होते हैं सेंसरी एरिया मोटर एरिया और एसोसिएशन एरिया द थ्री फंक्शन ऑफ एसोसिएशन एरिया आर क्या क्या काम होते हैं इंटर सेंसरी एसोसिएशन हो सकता है मेमोरी होता, होता है और कम्युनिकेशन में काम आता है द सेरिब्रम रैप अराउंड डैश किसके राउंड रैप करता है थैलेमस के द मेजर रिले सेंटर इन द ब्रेन कौन थैलेमस सेंसरी एंड ऑल मोटर सिग्नल ऑफ़ द ब्रेन मस्ट पास थ्रू किसके थैलेमस बॉडी टेम्परेचर अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज कंट्रोल्ड बाय कौन सा हब हाइपोथैलेमस जी याद रखें नीट में आ चुका लिम्बिक सिस्टम इज फॉर्म बाय किन छह चीजों से तो एमिक हाइपोथैलेमस थैलेमस हिपो बेसल गेंगलिया और सिंगुलेट गायरस डैश कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म कौन हिप्पो कैंपस हमारे साहब तो एक भाई साहब थे उनका हिपो कैंपस ख़राब था तो वो जब भी उनकी बीवी उनके कमरे में आती थी वो उसको बिल्कुल अच्छे से हक कर लेते थे जैसे उन्होंने उसको सालों बाद देखा क्योंकि वो भूल जाते थे कि वो उसी के साथ रहती है और मतलब तो वो मिलते रहते हैं साथ साथ काफ़ी क्योंकि तो शॉर्ट टर्म मेमोरी इसकी उड़ी हुई थी हिपो कैंपस उड़ा हुआ था फोर ब्रेन एंड ऑफ द्रेन डैश पास थ्रू मिड ब्रेन कौन सा कैनल आंसर इज द वेंट्रल या डोरसल पोर्सन ऑफ मिड कंसिस्ट ऑफ फोर राउंड सेलिंग कॉल्ड तो पहली बात तो क्या डोरसल पोर्सन कंड करता है कॉर्पस कॉर्डरी जेमिन कॉर्पोरा आर्टरी जेमिन कॉर्पोरा आर्टरी जेमिन द हाइंड ब्रेन कंपराइजिस क्या क्या पॉन्स मेडुला और सेरिबेलम द मेडुला कंटेन सेंटर विच कंट्रोल क्या चीज तीन चीजें रेस्पिरेशन कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस और गैस्ट्रिक सिक्रीशन डैश इज अ वेरी कॉन्वुलेटेड सरफेस सेरेबेलम डैश फ्रॉम कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कौन मेड्यूला याद रखेंगे थ्री थ्री रीजन विच मेड अप ब्रेन स्टेम इज कौन से तीन रीजन है मिड ब्रेन पॉन्स और नोज रिसेप्टर आर डैश कोटेड एंड कॉल्ड डैश म्यूकस कोटेड होते हैं क्या बोलते हैं ओल्ड फैक्ट्री रिसेप्टर थ्री काइंड ऑफ सेल्स इन ओल्ड फैक्ट्री रिसेप्टर आर कौन से तीन तरीके के सेल होते हैं ओल्ड फैक्ट्री रिसेप्टर सेल अपने नोज में पड़ा वैसे ही रहता है बस नाम चेंज हो जाएगा गस्टेटरी रिसेप्टर सेल हो जाएगा सपोर्टिंग सेल हो जाएगा बेसल सेल हो जाएगा वहां पर क्या था वहां पर था कि भैया ओल्डैक्ट्री रिसेप्टर सेल सपोर्टिंग सेल और बेसल सेल तो बस हो जाएगा उसकी जगह आई आर लोकेटेड इन सॉकेट्स ऑफ स्कल कॉल्ड क्या बोलते हैं ऑर्बिट्स में लोकेटेड होता है वॉल ऑफ आई बॉल इज पहला स्क्लेरा, फिर कनेक्टेड टिश्यू कौन सा होता है डेंस कनेक्टेड टिश्यू होता है पोर्शन ऑफ स्क्लेरा को हम क्या बोलते हैं तो कलर। कैसी कलर होता है भैया कोरॉइड का तो ब्लूइश होता है याद रखेंगे द कोरोइड इज थिक ओवर द एंटीरियर या पोस्टीरियर वन थर्ड या टू थर्ड ऑफ द आई बॉल तो एंटीरियर में थिक है ओवर एंटीरियर वन थर्ड ऑफ द आई बॉल क्योंकि यहाँ पे ये क्या बनाती है ये एक्चुअली यहाँ पे सिलियरी मसल्स बनाती है तो सिलियरी मसल्स और आयरिस जो होता है ये कोरोइड से ही बनता है कोरोइड एंटीरियरली फॉर्म अभी वही बारी बात आ गई फॉर्म क्या करेगा सिलियरी बॉडी आयरिस इज अ कंटिन्यूशन ऑफ किस चीज का सिलरी बॉडी पिगमेंटेड एंड ओपे स्ट्रक्चर इन आई इज क्या है आयरिस होता है द लेंस इज हेड इन प्लेस बाय डैश अटैच टू डैश प्लेस बाय लिगामेंट्स अटैच टू सिलरी बॉडी स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय आयरिस इसको क्या होता है प्यूपिल ठीक द थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स ऑफ रेटिना फ्रॉम इन साइड टू आउटसाइड तो इनसाइड सबसे पहले क्या जाएगा गैंगलियन सेल जाएंगे फिर बाइपोलर सेल और फिर फोटो रिसेप्टर सेल द टू टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल आर कौन से होते हैं रॉड्स और लाइट सेंसिटिव प्रोटीन आर कॉल्ड क्या बोलते हैं फोटो पिगमेंट टू लाइट विजन इज ऑल्सो कॉल्ड डैश विजन क्या बोलते हैं रॉड कंटेन्सर्पल रेड प्रोटीन कॉल्ड डैश और डैश क्या बोलते हैं कौन बताएगा क्या बोलते हैं रोडोपिन ठीक है रोडोपन बोलते हैं या फिर विजुअल पर्पल पर्पल बोलते हैं विजुअल डेरिवेटिव ऑफ क्या विटामिन ए e का डेरिवेटिव इसलिए बोलते हैं बेटा विटामिन ए खाओ गाजर खाओगे तो आंखें ताकतवर बनी रहेंगी क्योंकि विटामिन ए की डिफिशंसी से ब्लाइंडनेस हो सकती है नाइट ब्लाइंडनेस थ्री टाइप्स ऑफ कौन कॉन्सर तीन तरीके कौन कौन सी होती हैं ब्लू ग्रीन और रेड कोन्स ऑप्टिक नर्व एंटर एट अ पॉइंट मीडियल तो कहां पे एंटर रहेगी मीडियली एंटर करेगी एंड टू स्लाइटली अबव या बिलो द पोस्टियर बोलो भाई बोल स्लाइटली अबव जो है वो एंटर करेगी मीडियली डैश आर नॉट प्रेजेंट इन दैट रीजन एंड प्रस इट इज कॉल्ड डैश तो क्या चीज प्रेजेंट नहीं होती उस रीजन में उस रीजन में आपको ना क्या नहीं मिलेंगे फोटो रिसेप्टर सेल नहीं मिलेंगे फोटो रिसेप्टर सेल नहीं मिलेंगे इसलिए वहां पे ब्लाइंड स्पॉट होता है वहां पे कुछ दिखाई नहीं देता एरिया में लेकिन चूंकि हम पे दो आई है इसलिए हमें वो कभी फील नहीं होता लेटल टू ब्लाइंड स्पॉट देर पिगमेंट स्पॉट कॉल डैश विद विधल पिट कॉल डैश ब्लाइंड स्पॉट अगर आप देखोगे तो आपको एक पिगमेंट दिखेगा मैकुला लूटिया है ना लूट देता है पीला कर देता है लोगों को विद ए सेंट्रल पिट सेंट्रल पिट होती है उसके अंदर क्या बोलते हैं फोविया बोलते हैं फोविया विजुअल इज मैक्सिमम एट फोविया फोविया पे मैक्सिमम होती है एट फोविया बोथ रॉड एंड आर डेंसली पैक्ड ऐसा होता है क्या

तो अल्डीहाइड होता है लाइट कॉज चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्शन या रेटिनल ऑप्शन होता है आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ क्या दो चीजें तो पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स फंक्शन ऑफ पिन्ना क्या है सारे जितना भी वाइब्रेशन आ रहा है ईयर से जो भी आवाज आ रही है उसको एक तरह से कलेक्ट करना वो फंक्शन रहता है वेटिंग लैंड इन द स्किन ऑफ डैश एंड डैश इन द स्किन ऑफ कहां पिन्ना एंड मियटस मियटस मतलब ये जो हमारी एक्सटर्नल ऑर्डिटरी मेटस होती है द टेम्पेरिक मेमब्रेन इज कम्पोज ऑफ डैश कवर्ड विद डैश आउटसाइड विद डैश इनसाइड ठीक है तो कम्पोज ऑफ किसका है सबसे पहले तो कनेक्टेड टिश्यू का कम्पोज होता है जो कि कवर्ड विद स्किन होता है आउटसाइड से और इनसाइड म्यूकस मैमब्रेन से बना होता है द थ्री ऑसिकल्स आर हमारे को पता है मेलस इनकस स्टेपीस स्टेपीस इज अटैच टू द राउंड विंडो ऑफ कोकलिया ऐसा होता है क्या फॉर नहीं ओवल विंडो आएगा यहाँ पे ओवल विंडो होती है उससे कनेक्टेड होता है ईयर ऑसिकल का फंक्शन क्या होता है एम्पलीफाई करेगा साउंड को जो साउंड आएगा उसे और अच्छा बनाएगा क्यों जरूरी है क्योंकि जब आप यहाँ से ईयर में हो और ईयर से जब आप कॉकलिया में जाओगे तो आप वाटर के अंदर जा रहे होते हैं ऐसे फ्लूड के अंदर जा रहे हो और जरा आप फ्लूड के अंदर जाते हो तो आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है मतलब बहुत कम आवाज़ आ रही होती है जैसे तुम पानी के अंदर चले जाओ तो बाहर का जो शोर है वो तुम्हें नहीं आएगा क्योंकि पानी के अंदर आके आवाज बिल्कुल ही कम हो जाती है तो हमें चाहिए कि ऐसे हो गया तो फिर हमें तो उसको सुनाई नहीं देगा ना तो ये जो मेला स्टीप है करती है साउंड को और अच्छा बनाती है जिससे कि सुनाई दे इन टूब कनेक्ट डैश विद डैश मिडिल ईयर को कनेक्ट करेगा किससे वेरिंग से, से। लेबरेंथ है टू पार्ट्स उनका नाम बताइए तो बोनी पार्ट होता है और मेमरेन्थ होती है बोनी लेबरें लाइज इनसाइड द मेमरेन एवरेंथ ऐसा होता है क्या

स्केलर एंड करेगा? राउंड विंडो पे एंड करेगा लोकेटेड ऑन मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? बेसिलर मेम्ब्रेन। विच अ ऑडिटरी रिसेप्टर कौन से सेल हेयर सेल इसके अंदर होते हैं क्योंकि ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं डैश आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम एपिकल पार्ट ऑफ हेयर क्या प्रोजेक्टेड होते हैं जी स्टीरियोसिलिया स्टीरियोसिलिया थिक या थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड डैश इज प्रेजेंट अबव द हेयर तो थिन होती है इलास्टिक मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो कि अबव द हेयर प्रेजेंट होती है जिस पे हेयर टकरा टकरा के गाना सुनाते हैं कि देखो ऐसा ऐसा है आवाज ऐसी ऐसी आ रही है वेस्टिबुलर एपरेटस इज कंपोज्ड ऑफ 3 डैश एंड डैश 3 सेमी सर्कुलर कैनाल सेमी सर्कल या फिर और ओटोलिथ ओटोलिथ ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ क्या दो चीजें सेक्यूल एंड यूट्रिकल डैश इज देंसरी पार्ट ऑफ यूट्रिकल कौन होता है मैक्यूला होता है द बेस ऑफ कैनाल सोलोन कॉल्ड क्या बोलते हैं एम्पुला बोलते हैं एम्पुला कंटेन्स प्रोजेक्शन रिज कॉल्ड क्रिस्टा एम्पोलैरिस क्रिस्टा अ प्रोजेक्टिंग रिज ऑफ सेक्यूल न्यूट्रिकल इज

किस चीज के लिए मेंटेनेंस ऑफ पहली बात तो बैलेंस एंड दूसरा पोस्चर हमारी बॉडी का द मूवमेंट इन द डैश मेम्ब्रेन बैंड द हेयर सेल प्रेसिंग डैम अगेंस्ट द डैश तो मूवमेंट इन द बेसिलर मेम्ब्रेन जो होती है उससे जो है हेयर सेल बैंड होते हैं प्रेसिंग डैम अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेमरेन अब जरा फटाफट से हम ये लेवलिंग कर लेते हैं क्योंकि ये हो सकता है आए हालांकि बहुत सारी हैं ए e जो है ये क्या है ये रिजराइनरस मेम्ब्रेन है बी स्केला मीडिया है सी ऑर्गन ऑफ कोटाई है डी क्या है डी हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन है ई e, क्या है स्केला टेम्फेनी अच्छा जी क्या है जी स्केला वेस्टिबुली और एफ हमारा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ईयर की तो ए पिनना सबको पता है बी क्या है टेम्पोरल बोन है ये इसके बाद सी इज आर जो मेलियस है डी इनकस ई e, स्टेपीज है एफ कॉक्लियर नर्व है जी कॉक्लिया है एच यूस्टेकिन ट्यूब है ये हमारी दिख रही है आई टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन है और जी हमारा क्या है एक्सटर्नल ऑर्डिटरी मीटर्स इसकी बात करें एक्स ए क्या है एक्स ह्यूमर बी विट्रस ह्यूमर सी क्या है जी सी इज फोविया फोविया बोलेंगे जो आपने सबसे अच्छी जहाँ पे लाइट इंटेंसिटी होती है डी क्या है डी इज ब्लाइंड स्पॉट जहाँ से सारी नर्व वगैरह जा रही है ई इज ऑप्टिक नर्व एफ इज कोरोइड जी एस क्लेरा एच इज रेटिना आई इज सिलियरी बॉडी जो मैंने आपको बताया था जो कि किसका पार्ट है कोरोयड का पार्ट है जे क्या है कॉर्निया अब सबसे ऊपर वाला पार्ट के है हमारा लेंस एंड एल है हमारी आइरिस ये ब्रेन का पूछा जा सकता है तो ब्रेन में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ए बी हमारा कॉर्पस कैलोसम है सी हमारा जो है ये सेरिब्रल एक्यूडक्ट है डी सेरिब्रम है ई e हमारा थैलेमस है एफ हमारा हाइपोथैलेमस है जी हमारा पॉन्स है ठीक है एच हमारा सेरिबेलम है ऑब्वियस सी बात है जो आई है वो मेडुला है पॉन्स और मेडुला में कंफ्यूज नहीं हो जी जो है वो पॉन्स है ये वाला पॉन्स है ये थोड़ा सा स्टेमी पार्ट हो जाता है मेडुला जे जो है वो स्पाइनल कॉडी ऑब्वियसली तो नीचे तो स्पाइनल कॉडी जाएगी एक्स हमारा फोरब्रेन है वाई हमारा मिड ब्रेन है और जेड हमारा हाइंड ब्रेन है ठीक ये सब तो तुम्हें पता होगा तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन एंड होता है ये सारा पी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा तो वहाँ से भी तुम लोग देख सकते हो थोड़ा बहुत अगर तुम्हें देखना हो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऑल द बेस्ट लगे रहो सभी लोग